कुछ कंफ्यूजन था, ये रेड़ी पटरी वालों को अलाउ नहीं किया जा रहा था, तो आज स्पेशल ऑर्डर निकाल रहे हैं कि रेड़ी पटरी वालों को भी, वर्कर्स को भी आज से अपना काम करना शुरू कर दिया जाएगा, तो वो भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। इस समय मैडम सही बताऊं तो लागत भी नहीं निकाल पा रहे, कमाई की तो बहुत दूर की बात है। एमसीडी वालों ने बहुत ज़्यादा तंग कर रखा है, पैसे मांगते हैं ना 500,000, या तो पैसे दो या आपकी दुकान उठा लेंगे। दिल्ली में कोरोना रेट अब 88% हो गया है। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में हालात अब सुधर रहे हैं, साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली वासियों के साथ हमें मिलकर अर्थव्यवस्था भी ठीक करनी है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो रेड़ियां लगती है खाने की, फ्रूट्स की, सब्जियों की, उनको लेकर अभी कंफ्यूजन है, तो वो लोग अपनी रेड़ी, ठेला या पटरियों पर जो उनकी दुकानें हैं वो खोल सकते हैं। तो आइए पटरी वालों से ही जान लेते हैं कि क्या है उनका हाल और क्या कहना चाहेंगे वो लॉकडाउन और अनलॉक के दौरान। सर आप बताइए, लॉकडाउन और अनलॉक में क्या फर्क आया है? बहुत बहुत फर्क आया है, थोड़ा बहुत तो फर्क दुकानदारी का है। दुकानदारी में अच्छा खरीदने आ रहे हैं ग्राहक? थोड़े बहुत आ रहे हैं, उतना नहीं निकल रहे, उतना नहीं हो रहा। हाँ जी, एमसीडी वालों ने बहुत ज़्यादा तंग कर रखा है, पैसे मांगते हैं ना 500,000, या तो पैसे दो या आपकी दुकान उठा लेंगे। अच्छा पैसे दो नहीं तो दुकान उठा, बहुत ज़्यादा तंग कर रखा है। ठीक है, अभी लॉकडाउन के बाद जब दुकानें खुली हैं तो वैसे ही ग्राहक कम आ गए? बिल्कुल भी मुश्किल से 500-600 रुपये का काम नहीं है जी हमारा, बिल्कुल भी डेली का 500-600 का काम, दो दो घंटे में एक एक आदमी आता है। और आज भी एमसीडी वाले तो 3-4 एमसीडी वाले, पता नहीं कौन कौन आता है। एमसीडी वाले अफसर चेंज हो जाते हैं, पैसे दे भी दो फिर भी कहते हैं अफसर चेंज होगा जी, हमें दोबारा पैसे दो, दोबारा पैसे दो। बहुत बुरी हालत कर रखी है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत कर रही है, सारे रेड़ी पटरी वाले भागते हैं, बहुत परेशान है। बताओ लोगों को खाने को नहीं, उनको कोई पैसे कहाँ से देगा? हाँ जी अंकल, कितनी देर हो गई बैठे हुए यहाँ पर? 10 बजे से बैठे हैं। सुबह 10 बजे से बैठे हुए हैं? हाँ जी। ग्राहक आया? ग्राहक नहीं आया, कमेटी परेशान कर रही है। कमेटी परेशान कर रही है भैया, ग्राहक आ रहे हैं? मेरे पास तो काम ही नहीं है, ग्राहक आ ही नहीं रहे। नहीं जी, आते हुए अच्छा। बहुत कम आ रहे हैं जी। इस समय मैडम सही बताऊं तो लागत भी नहीं निकाल पा रहे, कमाई की तो बहुत दूर की बात है। नहीं अच्छा। किसी किसी दिन तो ऐसा हो जाता है जो अपने जेब से निकाल के पूरा करना पड़ता है, काम बिल्कुल नहीं है मैम, खर्चा निकालना बहुत भारी है, खर्चा निकालना बहुत भारी हो रहा है। सामान लगा है उसके 500 रुपये मैंने देने हैं जी, 500 रुपये देने उधार, ये उधारी मैम जी। उनका कहना है कि सामान भी उधार लेके आए, जितने भी बिस्किट वगैरह इन्होंने लगाए हुए हैं, वैसे तो काफ़ी कमाई हो जाती थी। अच्छा कोरोना से पहले का क्या हाल था? कोरोना से पहले बहुत बढ़िया काम निकलता था जी। हाँ जी बहुत अच्छा, पूरी मार्केट में पूरी चहल पहल रहती थी और लोगों का काम बहुत अच्छा हो जाता, इसी छोटे काम से बढ़िया गुजारा हो जाता था, बढ़िया काम हो जाता था। हाँ जी हाँ जी, अब इस समय तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मान लो लॉकडाउन के बाद अनलॉक में कितना फ़र्क आया कमाई में? कमाई में बहुत ही फर्क है नहीं, अब ख़त्म है। तो अंकल आप यहाँ पर ये समोसे और ब्रेड पकौड़े की शॉप है इनकी, बनाते हैं अंकल, अभी लॉकडाउन के बाद अनलॉक में कितना फर्क आया है बिक्री में? आधे से ज़्यादा आया है। आधे से ज़्यादा आया है? कितने पैसे है? 25% ही। 25% है काम का? ग्राहक आ रहे हैं अभी? अभी नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। अच्छा ये जो आप बना रहे हैं अभी, जैसे कोरोना भी फैल रहा है, इतना लोग वहम तो करते हैं बाहर खाने पीने में, बोलते हैं आगे? हाँ करते, सफाई करते हैं, कहते हैं मास्क वगैरह के लिए टोकते हैं? मास्क ये रखे हैं, हाँ सबके बाद रखे, गमछा ओढ़ लेते हैं, गमछा ओढ़ लेते हैं, यूज कर रहे हैं, सैनिटाइजर भी रखा है। अच्छा वो सैनिटाइजर रखा है? हाँ ठीक है, तो मतलब कह रहे धंधा बहुत कम हो गया? बहुत कम है, 25% ही काम रह गया बस। बोलना चाहेंगे सर? अब सरकार जो ये त्योहार पे खुलवा दे तो नेका जो काम हो जाए रक्षाबंधन पे। हाँ जी रक्षा, तो इनका कहना है कि धंधा 25% से भी कम हो गया, 25% तक हो रहा है धंधा, सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि त्योहार आ रहे हैं थोड़ा खुलवा दीजिए ताकि धंधा अच्छा हो जाए और बिक्री हो जाए, तो इनका भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ठीक हो पाए जिससे कि पैसे थोड़े इनके पास आ पाए। ऐसे ही और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते रहिए द बोलती बंद, क्योंकि अब देश बोलेगा।